हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे आज हमारा तीसरा पार्ट है महाद्वीपों पर इससे पहले हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके हैं अगर आप उनको नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा आप वहाँ से पिछली वीडियो जरूर देखेगा और इन तीन पार्टों में आपके महाद्वीप समाप्त हो जाएंगे ठीक है तो महाद्वीपों पर आधारित महत्वपूर्ण तीस प्रश्न पढ़ेंगे इस वीडियो में चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपने तीस में से कितने प्रश्न सही करे हैं ठीक है पिछले वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट आपको दे दी जाएगी आप वहाँ से पिछली वीडियो देख सकते हैं लिखा है नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है अफ्रीका साउथ अमेरिका एशिया या नार्थ अमेरिका को तो देखिए नई दुनिया के नाम से जो है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है चौदह में कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी ठीक है इसकी वजह से जो है इसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है पनामा नहर सोज नहर इरी नहर या सू नहर तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली नहर का नाम है पनामा नहर ठीक है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियंस एस्मो और इन्यूट आते हैं एस्किमो का एक घर होता है जो कि बर्फ का होता है जिसे क्या कहते हैं इग्लू कहते हैं क्या कहते हैं इग्लू कहते हैं वे रेंडियर कुत्तों का उपयोग जो है स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए करते हैं तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेगा लिखा विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है ब्राज़ील कनाडा इंग्लैंड या ग्रीनलैंड की बहुत ही अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है तो कनाडा का जो तटीय क्षेत्र है वो सबसे लंबा है इसकी जो लंबाई है वो है दो लाख दो हजार अस्सी किलोमीटर माउंट मैकिनले उच्चतम पर्वत शिखर है साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका एशिया या यूरोप में बताएँ माउंट मैकिनले उच्चतम पर्वत शिखर जो है ये कहाँ है साउथ अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में एशिया में या यूरोप में ये बताना है बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपको पता भी होगा क्या जवाब होगा इसका ये है आपका नॉर्थ अमेरिका में बी ऑप्शन आप आपका सही होगा देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है सबसे छोटा है जो है ऑस्ट्रेलिया है अगला प्रश्न मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाला चक्रवात क्या कहलाता है विली वाओ हरिकेन मैस्ट्रल या बोरा मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाला चक्रवात जो है हरिकेन और टारनेडो के नाम से जाना जाता है वुड वफेलो नेशनल पार्क कहाँ है यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया या नॉर्थ अमेरिका में तो वुड वफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो कि कनाडा में है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ठीक है नॉर्थ अमेरिका अगला प्रश्न है श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है एशिया दक्षिण अमेरिका यूरोप या अंटार्कटिका को अंटार्कटिक महाद्वीप को तो श्वेत महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिक महाद्वीप को जाना जाता है देखिए उत्तरी अमेरिका के बारे में कुछ और भी बातें जान लेते हैं जैसे एक पॉइंट है आपका कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं पेयरी कहलाते हैं ठीक है इस पॉइंट को ध्यान रखेगा यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है मैं उत्तरी अमेरिका की बात कर रहा हूँ अभी जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो उत्तरी अमेरिका से जुड़े हुए हैं ठीक है ठीके? उसके बाद आता है आपका क्यूबा जो है ड्यूब का क्यूबा जो है क्या कहलाता है चीनी का कटोरा कहलाता है मैंने पहले ही आपको बता दिया है उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जो है विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है ठीक है नियाग्रा जलप्रपात जो है इरी और उनटेरियो झील के बीच में स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा चलती है न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है ठीक है इन पॉइंट्स को ध्यान रखेगा और भी पॉइंट्स हैं आपके जैसे विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनीपेग जो कि कनाडा में है ठीक है फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर विश्व प्रसिद्ध है हॉलीवुड यहीं पर है सैन फ्रांसिस्को को जो है सिलिकन वैली कहते हैं संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है स्टेचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है ठीक है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान है येलो जो कि विश्व का प्रथम उद्यान है संसार में सोने की सबसे बड़ी खाल उनटेरियो कनाडा में है कनाडा का देखिए कनाडा का क्यूबेक प्रांत जो है फ्रेंच भाषा का क्षेत्र है जिसकी वजह से क्यूबे प्रांत को देश के अंदर का देश कहा जाता है ठीक है और डेथ वैली आपकी उत्तरी अमेरिका में है तो ये सारे पॉइंट जो है आपके नॉर्थ अमेरिका से जुड़े हुए थे ठीक है और उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्बुक की वेस्पुस्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर पड़ा था अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे बहुत ही अच्छा प्रश्न है एमंड एडमंड जेम्स कुक अमेरिकी वेस्टबुक की या सैन। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति थे सैन और उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति थे रॉबर्ट पियरे अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है किलाई फ्यूजामा स्टॉक माउंट एब्रूस तो यह आपका माउंट एब्रूस अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है देखिए आपको ध्यान रखना है लिखा है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय निम्न में से कौन है डॉक्टर सईद जहूर कासिम डॉक्टर गिरिराज सिरोही रॉबर्ट पियरे या मैथ्यू फिल्डर्स तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम जो आपके भारतीय हैं ये हैं डॉक्टर गिरिराज सिरोही जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के हैं अगला प्रश्न है भारत में भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र कब खोला था अस्सी में बयासी में तिरासी में या चौरासी में तो भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र जो है जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री क्या था नाम दक्षिण गंगोत्री ठीक है दक्षिण गंगोत्री जो कि खोला था उन्नीस में कब खोला था उन्नीस में खोला था देखिए भारत ने अपना पहला आर्कटिक अभियान जो है उन्नीस और बयासी के बीच में प्रारंभ किया भारत का पहला आर्कटिक अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी उन्नीस को शुरू हुआ था देखिए पहला जो शोध केंद्र था जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री अब नष्ट हो चुका है ठीक है फिर आपका अगला प्रश्न आता है भारत ने अपना दूसरा अंटार्कटिक मैत्री की दूसरा अंटार्कटिक शोध केंद्र जो है जिसका नाम है मैत्री कब खोला था इक्यासी बयासी अट्ठासी या नवासी में तो नाइनटीन एट्टी नाइन में जो है भारतीय शोध केंद्र मैत्री जो खोला गया था ठीक है और जो आपका देखिए लारमंस हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंसाधन केंद्र भारतीय स्थापित किया है ठीक है तो पहला आपका दक्षिण गंगोत्री जो कि नष्ट हो चुका है जो कि उन्नीस में ओपन किया गया उन्नीस में मैत्री था और तीसरा है आपका भारतीय विश्व में अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन है अमेजन नील यांगसी या मिसोरी तो सभी को पता है अमेजन नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है एंजिल वाटरफॉल किस नदी पर है वोल्गा कैरो या विक्टोरिया देखिए वेनेजुएला में कैरो नदी जो कि ओरिनिको की सहायक ओरिनिको नदी की सहायक है कैरो नदी पर स्थित है आपका एंजल जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना है ठीक है अगला प्रश्न आपके लिए लिखा है एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वन कहलाते हैं सेलवास वालसा मोंटाना या मलोका तो देखिए एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के जो वन हैं वो आपके कहलाते हैं मोंटाना मोंटाना कहलाते हैं ठीक है दक्षिण अमेरिका की वर्षा वन का स्थानीय नाम है सेलवास वर्षा वन क्या है सेलवास कहलाते हैं पूर्वी ढलानों पर जो वन होते हैं मोंटाना कहलाते हैं अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में वालसा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी होती है ये भी ध्यान रखिएगा अगला विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो किलायु स्ट्राम्बोली या विशुवियस तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो सत्रहवा प्रश्न है आपका अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं प्रेयरी वर्ल्ड पम्पास या लानोस बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपको बताना है इसका क्या जवाब होगा अर्जेंटीना का हृदय जो है ये पम्पास को कहा जाता है सी ऑप्शन आप आपका सही होगा तो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है घास के मैदानों पर आधारित है एक तरफ घास के मैदान दूसरी तरफ क्षेत्र लेखा पम्पास घास का मैदान अर्जेंटीना पेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका लानोस घास का मैदान वेनेजुएला सवाना ऑस्ट्रेलिया वेल्ड कम्पो वेल्ड कनाडा कम्पोज ब्राज़ील तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है देखिए लानोस जो घास का मैदान है वेनेजुएला में बिल्कुल सही पेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में सही पम्पास अर्जेंटीना में सही है सबाना घास का मैदान आपका जो है कहाँ है अफ्रीका में है और वेल्ड घास का मैदान भी आपका अफ्रीका में है यानी ये दोनों ऑप्शन जो है आपके प्रश्न के अनुसार सही होंगे और कंपोज घास का मैदान ब्राज़ील में है देखिए घास भूमियों को दो भागों में बांटा गया है ऊष्ण कटबंधी घास भूमियाँ जैसे सवाना अफ्रीका में है कंपोज ब्राज़ील में है लानोस वेनेजुएला व कोलंबिया में है यह आपकी ऊष्ण घास भूमियाँ हैं दूसरी की बात कर लें तो शीतोष्ण कटबंधी घास भूमिया ठीक है जैसे पेयरी घास का मैदान आपका यू में है व कनाडा में है ठीक है यूएसए और कनाडा उत्तरी अमेरिका के क्या है देश हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बाकी डाउंस जो है ऑस्ट्रेलिया में है स्टेपीज आपका एशिया यूक्रेन रूस चीन के मंचूरियन प्रदेश में है आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए ये लिखा है इंडीज पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है बिन्सन मासिप एकांगुआ, माउंट एल्ब्रूस माउंट मैकिनले तो इंडीज़ पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है एकांगुआ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा छोटा देश है और कौन सा बड़ा देश है किस महाद्वीप का देखिए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया क्या है अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश है आपका मेओटा मेआटो है मे ओ टो अगर बात करें एशिया की तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन है सबसे छोटा मालदीव है और बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा आपका नोरू है यूरोप की बात करें तो सबसे बड़ा देश आपका रूस ठीक है और सबसे छोटा वेटिकन सिटी उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा और सबसे छोटा देश सेंट पीरी दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील और सबसे छोटा देश फाकलैंड द्वीप है अगला विश्व का सबसे छोटा द्वीप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया या नॉर्थ अमेरिका ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला यह कि ऑस्ट्रेलिया में है द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है अफ्रीका एशिया यूरोप या ऑस्ट्रेलिया तो ये है ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमिका देश ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है अगला निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है लायरबर्ड एमू हमिंग बर्ड या प्लेटिपस तो एमू जो है ये उड़ नहीं सकता है इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा देखिए प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का एक विचित्र जंतु है जो दौड़ता है जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है चार पहलू चार पैरों वाला यह जीव अंडे देता है है इस चीज को ध्यान रखेगा अगला है न्यूजीलैंड का सबसे छोटा देश कौन सा है मोहटो मालदीव नाउरू सेंट पीरे तो मैंने अभी आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश जो है वो आपका क्या है ऑस्ट्रेलिया है और नाउरू जो है क्या है सबसे छोटा देश है सार्वधिक बाक्साइड उत्खनित करने वाला देश है एशिया यूरोप ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ अमेरिका ये है आपका ऑस्ट्रेलिया डेथ वैली किस महाद्वीप में है ऑस्ट्रेलिया में है अफ्रीका में है नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका तो ये है आपकी नॉर्थ अमेरिका में लिखा है काफ़ी बंदर के नाम काफ़ी बंदरगाह के नाम से फेमस है उरुग्वे पोर्ट सेंटोस पोर्ट सांटोस पोर्ट न्यूयॉर्क पोर्ट या इनमें से कोई नहीं काफ़ी बंदरगाह के नाम से फेमस निम्न में से कौन सा है तो ये आपका है सेंटोस पोर्ट ठीक है अगला है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है कनाडा ब्राज़ील रूस या चीन तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा सबसे छोटा सेंट पीरे किस महाद्वीप के निवासी को एबोरजेंस कहते हैं किस महाद्वीप के निवासियों को एबोरजेंस कहते हैं तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया ठीक है इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मर्रे ठीक है अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील अंटार्कटिका की है ओनेक्स एशिया की है यंगसी यूरोप की है वोल्गा उत्तरी अमेरिका की है मिसौरी ठीक है दक्षिण अमेरिका की है अमेजन तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाएंगे देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है देखिए ऑस्ट्रेलिया के क्विंसलैंड राज्य के उत्तरी पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ती है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है ठीक है यह प्रवाल भित्ति जो है छोटे छोटे जीव जंतुओं के अस्थि पंजरों से बनी हुई है ठीक है इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस लैंड ऑफ कंगारू प्यासी भूमि के नाम से जानी जाती है ठीक है न्यूजीलैंड का सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कुक है यहाँ के मूल निवासी मोरी कहलाते हैं कीवी जो है ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है ठीक है इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है जो कि एग्जाम में पूछे ही जाएंगे तो और भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज ओवेल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज 1642 में और ऑस्ट्रेलिया की खोज 1644 में की थी ठीक है सत्रह में इंग्लैंड से कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया मतलब ऑस्ट्रेलिया गए थे एवं सत्रह तक उसने तीन बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की ठीक है इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है तो और एक पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया और निविनी के बीच टारेस जलसंधि है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ठीक है इन पॉइंट्स को ध्यान रखेगा और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो मतलब ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट कोशयु ऐसे लिखा हुआ कोसयुस्को है कोसयुस्को है ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही है ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग और एक पॉइंट है आपका ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बाकसाइड उत्खनित करने वाला देश है मैं आपको बता चुका हूं आशा करता हूं आपका वीडियो जो है यहीं पर समाप्त हो चुका है वो हो भी चुका है भाई बहुत सारी बातों को हम लोगों ने जो है बिना प्रश्न के भी डिस्कस किया है तो उनको भी ध्यान रखिएगा हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ठीक है किसी अन्य टॉपिक के साथ क्योंकि हमारा महाद्वीप का जो सेक्शन था समाप्त हो चुका है सत्तर पचहत्तर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और कितना पढ़ेंगे भाई ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर यही पढ़ते रह जाएंगे तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा थैंक यू फ्रेंड धन्यवाद